फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए। ये तितली ब्रीडिंग करती है, मेटिंग करते हुए तितली को दिखाता हूँ। एक बार देखिए, ये देखिए, एक बार फिर से इसको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि हमने आज तक ये सुना है कि तितली में नर और मादा नहीं होते, सारे ज़मीन पर अंडे देते हैं और तितलियाँ पैदा होती हैं। लेकिन आप देख सकते हो, और आप इसको देखना काफ़ी देर तक दोनों, उसके बाद में ये वापस छोड़ भी देगा। और नीचे जो नर है या मादा, इतनी पहचान तो मुझे नहीं है कौन सा नर है कौन सी मादा है, लेकिन जो नीचे वाला है वो सिर्फ उस प्राइवेट पार्ट के बल पर अधर लटका हुआ है, वो कहीं भी अपने आप को टिकाए हुए नहीं है, सिर्फ उस प्राइवेट पार्ट के ताकत पर। यानी कि कितना खिंचाव है इसके बीच में या कितना पावर है। और आप देखो, लास्ट में जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ये जो ऊपर है, जो मादा है या नर है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है दोस्तों, लेकिन वो यहीं रहेगा और नीचे की तरफ जो है वो छोड़ के अभी उड़ के चला जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक पहले मैंने इनको देखता रहा, उसके बाद में मैंने इनका वीडियो बनाया। ये अद्भुत है चीज़ है यार, देखते हैं, फ्रेंड्स को डालते हैं, ऐसी जानकारी भी बीच बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल नीचे की जो तितली है, अब देखो थोड़ा सा दोनों के प्राइवेट पार्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाला जो है उसके पार्ट में ऊपर वाले का अंदर है, इतना मुझे है कैमरे में, हो सकता है साफ साफ दिखाई नहीं देता हूँ, तो ये साफ जाहिर होता है कि नर ऊपर वाला है और मादा नीचे वाली है। और मादा ने कहीं भी, ये देखो छोड़ गई, अब दोनों छूटे हैं। अब इनका एक बार फिर में अगला पोर्शन है, एक दूसरी ट्रेनिंग पे जाकर भी फिर ये वापस आए थे, वो भी आप देख सकते हो। अब इधर देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर दूसरी पोजीशन है। लेकिन फिर भी नीचे जो मादा है, जैसा महसूस किया है मादा है, उसको बिल्कुल भी कहीं भी कोई सहारा नहीं है, सिर्फ वो प्राइवेट पार्ट के, दोनों एक साथ उठी है।